प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ननौरा महोबा के द्वारा 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का आयोजन किया गया। कस्बा पनवाड़ी में बीके पाठशाला के द्वारा शिवरात्रि पर शिव झंडा फहराया, जिसमें ग्राम प्रधान श्री संजय द्विवेदी द्वारा कहा गया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण पनवाड़ी में जल्द कराएंगे। वहीं इस कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर विजय द्विवेदी जी ने महाशिवरात्रि पर्व पर महादेव की पूजा को खास पल बताया है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह हुआ था। राजयोगिनी बीके मीरा दीदी जी ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए कहा कि व्रत माना वृत्तियों को शुद्ध करना और जीवन में जागृति अर्थात जागरण के विषय में बताया और ब्रह्मा कुमारी राजेश दीदी ने अमृत महोत्सव का महत्व और ब्रह्मा कुमारी अंगूरी बहन के द्वारा मंच का संचालन किया गया और ब्रह्मा कुमारी श्वेता बहन के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। ब्रह्मा कुमारी रागिनी बहन ने संगम युग का भाग्य बनाने के विषय पर बताया। ब्रह्मा कुमारी उपदेश ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय बताया। कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से किया गया और भिन्न राज्यों की झांकी निकाली गई। साथ ही 86 दीपों को प्रज्वलित करते हुए शिव जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही ग्राम प्रधान श्री संजय द्विवेदी जी ने इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर कहा कि वह अपने कार्यकाल तक 50 बी के भाई बहनों को मधुबन ले जाने की सेवा करेंगे। इस मौके पर ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी, डॉक्टर दिग्विजय दुबे, नरेंद्र यादव, भरत तिवारी और सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी को प्रभु प्रसाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। ज्यादा तो ज्ञान नहीं है अभी, डॉक्टर साहब हमारे योग्यता तो बुजुर्ग है, उन्होंने आप लोगों को बताया, हमारी बहन जी ने बताया आपको। मैं करीब 5 साल से देख रहा हूँ कि हमारी बहनें लोगों को परमात्मा से जोड़ने के लिए रात दिन बहुत मेहनत करती हैं और आप लोगों को समझाने का काम करती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी ब्रह्म कुमारी की तमाम बहनों को जिन्होंने पनवाड़ी में आके यहाँ एक शाखा खोली और लोगों को परमात्मा से जोड़ने का काम किया। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सभी अपनी बहनों को। हमारी बहनों ने हमसे करीब 5 साल पहले एक मांग की थी कि यहाँ ब्रह्म कुमारी का आश्रम प्रधान जी अगर कहीं जगह हो तो दे दीजिए, लेकिन तमाम ढूंढने के बाद भी ग्राम पंचायत की कोई भी जगह ऐसी पनवाड़ी में खाली नहीं बची है कि जो मैं आश्रम के लिए दे सकूं। लेकिन बहन जी ने अपने पैसों से आश्रम के लिए जमीन खरीद ली है। मैं ये वादा करता हूँ आज शिवरात्रि के दिन बहन जी जो भी बन पड़ेगा मैं आश्रम के लिए आपको बनवाने का काम करूंगा। और मैं अपनी माताओं बहनों और बुजुर्गों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी मानता भी देखा है? अगर किसी ने इसमें देखा है तो वहां दिखाइएगा। अगर जो लोग देखने से वंचित है, मैं बहन जी हर साल एक बस की व्यवस्था करूंगा आने जाने की। और आपसे निवेदन है कि परिवार से ज्यादा संख्या में माताओं बहनों और बुजुर्गों को एक बार मानता हूँ दर्शन जरूर कराइएगा। मैं बराबर 5 साल और 10 साल तक जब तक लोग यहाँ से जाना चाहे मैं एक बस हर वर्ष अपनी माताओं बहनों और बुजुर्गों के लिए अपनी ओर से प्रदान करूंगा और आने जाने का उनका खर्च बहन करूंगा। इसी के साथ आज सभी नगरवासियों को, सम्मानित माताओं बहनों और बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ बहनों को अपनी कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नगरवासियों का, डॉक्टर साहब और नरेंद्र यादव जी का, भरत तिवारी जी का, तमाम हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।